हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। तो दोस्तों, आज की मेरी ये जो रेसिपी है, ये रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी है, जिसे हम बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इस रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने ली है 1 कप की कड़ी पनीर, जो कि रूम टेम्परेचर पे थी, और इसे मैंने छोटी ब्लेंडिंग जार जो होती है उसमें डाल के बहुत ही बारीक पीस लिया है। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही बढ़िया मैश हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक पैन ली है जिसमें मैंने आधे टीस्पून के करीब घी ऐड की है। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है और लो फ्लेम पे ही हम पनीर को आधे मिनट के लिए इस तरीके से कुक कर लेंगे, सो दैट पनीर हमारी हल्की मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। आधे मिनट के बाद मैंने ली है 1 कप के करीब मिल्क पाउडर, जिसकी आधी क्वांटिटी मैं अभी ऐड कर रही हूँ, और इसे हम अच्छे से लो फ्लेम पे ही मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आधी मिल्क पाउडर जो बच गई थी उसे भी ऐड कर दीजिए और इसे हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। दोनों चीज़ें आपस में बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गई है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। चलिए इसे क्विकली किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं, अदरवाइज इसकी कलर चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिश्रण को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, साथ में ऐड की है कुटी हुई इलायची। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इलायची पाउडर आप जरूर से डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। तो ये देखिए दोस्तों, सारी चीजें बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गई है। तो अब हमारी ये जो मिश्रण है ये बिल्कुल ल्यूकवार्म है, बिल्कुल हल्की गर्म है। तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड की है पिसी हुई चीनी। जब ये बिल्कुल हल्की गर्म हो तभी आप इसमें चीनी ऐड करें, और साथ में मैंने ऐड कर दी है कुटी हुई काजू। आप इसकी जगह अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने एक ट्रे ली है जिसके ऊपर मैंने लगाया है बटर पेपर। आप चाहें तो इसे स्टील की थाली में भी बना सकते हैं। स्टील की थाली को आप घी से ग्रीस कर लें। मैंने यहाँ बटर पेपर को भी घी से ग्रीस कर लिया है और मिश्रण को डाल दिया है, और वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप इसे एक इवन शेप दे दीजिए। तो ये देखिए, ये रेडी हो गई है। साथ में मैंने इस पे ऐड किया है कुटी हुई पिस्ता। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है स्पैचुला की मदद से। इसे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए सो दैट ये सेट हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई है दोस्तों। चलिए इसे अब हम डाल देते हैं फ्रीजर में 15 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। 15 मिनट के बाद ये बहुत ही बढ़िया सेट हो गई है। चाकू को मैंने घी से ग्रीस किया है, तो अपनी पसंदीदा शेप में आप इन्हें काट लीजिए। और ये देखिए, हमारी ये डिलीशियस मिठाई बनके तैयार है, जिसे हमने बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार की है, और ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को इस रक्षाबंधन जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।